नमस्कार दोस्तों, शशि शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने का आटे से पूड़ी या पराठे, जो भी आपको पसंद हो। आज हम बनाएंगे पूड़ी, ठीक है। अब मैंने आटा तैयार करने के लिए, साबूदाने को कैसे तैयार करना मैं आपको ये दिखाऊंगी। मैंने गैस जला दी है और कढ़ाई रख दी है उस पर। अब मैं देखिए, एक कटोरी भर के इसमें साबूदाना मैंने डाल दिया। साबूदाना में जो थोड़ा सा कुछ मॉइस्चर होगा उसको खत्म करने के लिए मैंने इसको कढ़ाई में डाला है। आग इसको हल्का सा सेकेंगे हम, इसकी नमी को दूर करने के लिए। तो नमी दूर करके फिर ठंडा करके इसको, और फिर उसके बाद में हम इसको मिक्सी में डाल के और इसका बारीक आटा तैयार कर लेंगे। कि दोस्तों, हमारा साबूदाना सेक गया है। इसको थोड़ा सा बस इतना ही सेकना है कि इसकी नमी खत्म, इसका मॉइस्चर जो इसमें होने का रहता है वो खत्म हो जाए। इसको ज्यादा मैं इसको इसमें मैंने इसको निकाल लिया है। देखिए, इसको निकाल के अब ये ठंडा जल्दी हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद इसको आटा बनाऊंगी। देखो कितना मॉइस्चर पकड़ रहा है अभी भी ये, एक जगह ये चिपक जाता है। अगर हम इसको गर्मी डाल देंगे मिक्सी के जार में पीसने लगेंगे तो सारा आपस में चिपक जाएगा ये। इसको सही करने के लिए अब ठंडा करके तब डालेंगे, स्वाद का ध्यान रखें। जब तक हमारा वो ठंडा होता है साबूदाना, हम दही से थोड़ा रायता बना लेते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने थोड़ा खीरा लिया है। इस खीरा को बारीक कट कर लेंगे, करके खीरा डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी धनिया पत्ती डाल दी मैंने। ये मिर्च का पेस्ट है, हरी मिर्च का, ये डाल दिया मैंने। अब थोड़ी डाल देती हूँ उसमें दही। ये देखिए, दही डाल दी मैंने थोड़ी। अब इसको थोड़ा डाल देते हैं इसमें नमक, सैंधा नमक डालेंगे, हम फास्ट के लिए बना रहे हैं। ये थोड़ा सैंधा नमक डाल दिया और थोड़ा डाल देंगे हम, हमारे पास पुदीना है बारीक, पुदीना पत्ती सुखाई हुई डालेंगे। पुदीना पत्ती डाल दी हमने उसके लिए, और थोड़ा डाल देंगे भुना हुआ जीरा। ये भुना जीरा डाल दिया हमने इसके अंदर हर एक। अब रायता हमारा हो गया तैयार, देते हैं एक तरफ और बाकी आटे की तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों, साबूदाना हमारा पूरी तरह ठंडा हो गया है और हम इसको मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसका बनाते हैं आटा। देखिए दोस्तों, हमारा आटा साबूदाना का जो पीस रहे थे हम, वो पिस गया है। अब हम इसको चलनी में छान लेते हैं, जिससे कि ये मालूम पड़ जाए कुछ उसके अंदर मोटा है तो वो ऊपर रह जाए। आटा तैयार हो गया है फर्स्ट क्लास। अब छान के आटा गूंथते हैं पूरी बनाने के लिए। ये देखिए, मैंने एक कटोरी ये आलू को बॉईल करके, दो आलू थे इसको बॉईल करके मैंने कद्दूकस कर लिया है। जिस कटोरी से समझो कि बराबर, दोनों चीजें हमें बराबर लेनी है। और साबूदाने का आटा, एक कटोरी हमने साबूदाना लिया था तो एक कटोरी के बराबर हमारा आलू होना चाहिए मैश किया हुआ। मैश किया इसको कद्दूकस करें, जिससे अच्छे से वो आटे में गूंथ जाए ना हो। अब मैं इसके अंदर आटा डाल देती हूँ। देखिए दोनों चीजें, हमने इसमें हम डालेंगे ये बारीक कटा हुआ धनिया, धनिया पत्ती डाल दी हमने। और बाकी चीजें, एक हमने अदरक और मिर्ची को बारीक पेस्ट बना लिया है। देखिए ये ऐसे बन जाएगा, इसकी इसका पराठा पूरी ऐसी बनेगी जैसी खस्ता कचौड़ी बन जाएंगी, ऐसा इसमें टेस्ट आएगा कचौड़ी वाला।
क्योंकि ये अकेला साबुदाने का आटा है, मैं अकेले में बॉन्डिंग नहीं होगी इतनी जितनी ये आलू, इसलिए डालना पड़ता है इसमें बराबर का, बराबर मात्रा में डालें आलू। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, एक चम्मच जीरा, जीरा डाल दिया मैंने एक चम्मच इसके अंदर अच्छे फ्लेवर के लिए, और ये डाइजेशन के लिए अच्छा काम करता है जीरा इसलिए, और टेस्ट बढ़ाएगा। अब मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा, मैं डाल रही हूँ बारीक पिसा हुआ धनिया डाल देती हूँ, और इन सब चीज़ों को हम आटा इसका अच्छे से आटा लगाएंगे गूंथ के, और अब इसमें डालूंगी थोड़ा बर्फ का नमक, मैं जो सेंधा नमक होता है वो डालेगा इसमें, नमक डाल दिया मैंने एक चम्मच, तो रेस्ट के लिए रखेंगे फिर। अच्छे से इसको मिक्स करके और आटे को ढक के हम थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये साबुदाना फूल जाए अच्छे से, इसका आटा अपने सही फॉर्म में आ जाए। और पानी डालेगा इसमें थोड़ा सा, इसे नॉर्मल आटे की तरह ना लगाएं, एकदम से पानी ना डालें ज्यादा, क्योंकि हमें इसकी कचौड़ी बनानी है। चूड़ी बोलो, पूड़ी बोलो, पराठे बना सकते हैं इसी सेम आटे से, पराठा भी बन जाएगा। अगर आप डीप फ्राई नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, और अगर आप डीप फ्राई खाना चाहते हैं तो इसकी पूड़ी बना लें। इसको बना के अब इसको मैं इसको ढक के रख देती हूँ, और थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे, देखते हैं कैसे होता है, बनाते हैं इसकी पूड़ी। देखिए दोस्तों, हमारा आटा तैयार हो गया है जो हम बना रहे थे, इन्हें रेस्ट के लिए रखा है। अब हमने इसकी लोई तोड़ के अब हम इसकी पूड़ी बनाएंगे, या फिर कहेंगे कि कचौड़ी बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा ये सिंगाड़े का आटा ले लिया है, और इसको इसको देखिए, ये आटे का जो ना ऐसे ये इतना 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 हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। कि बेलती हूँ पूड़ी, हल्के हल्के हाथ से बेलनी है। ये देखिए, इससे मैंने इसकी शेप देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अब जो चारों तरफ जो क्रैक आ जाते हैं दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम पूड़ी बना रहे हैं, बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है हमें पराठे की तरह, तो इसको हम चारों तरफ से इसकी शेप दे देंगे, इसको से बेल के। और मैं एक ही कटोरी ले ली है मैंने, कटोरी से इसको ऐसे मैंने इसको कट कर लिया है, ठीक है। तो चारों तरफ से मैं इसको निकाल दूंगी। अब ये इसकी मेरी पूड़ी की शेप तैयार हो गई है। अब दूसरी पूड़ी बेल लेंगे ऐसे, इसको इसको ऐसे एक तरफ रखते जाएंगे। जितनी हमें पूड़ी बनानी है उतनी हम, अगर हमें कम पूड़ी बनानी है, 4-6-10 पूड़ी बनानी है, तो पहले इस पूड़ी को बेल के रख लें और फिर एक साथ में तल लें। इसको ऐसे करेंगे और ऐसे ही हम सारी पूरी बेल लेंगे। इसको जरा सा लगाएंगे आटा, पलोथन जैसे लगाते हैं नॉर्मल पूरी पराठे वगैरह में, वो लगाते हैं पूरी में तो हम तेल से बना लेते हैं, लेकिन इसमें हमें हल्का सा आटा लगा रहे हैं, हम ज्यादा तेल यूज नहीं कर रहे हैं। जरा सा लगा के और इसको मैं ऐसे हल्का सा बेल लेती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास की कचौड़ी तैयार होंगी। इसका तुम्हें चाहते पराठा भी बनाया जा सकता है, देखो आराम से बिल रहा है। थोड़ा ये है कि इसको रेस्ट दे दें थोड़ा आटे को, कि जिससे वो फूल जाए साबुदाना। अब ये हम क्या, अब इसके जो किनारे पे जो थोड़ा बहुत क्रैक आ जाता है, क्योंकि ये साबुदाना है तो वो खत्म हो जाए, इसलिए मैं ये तरीका अपना रही हूँ। इसको काट दिया, ये पूरी तैयार हो गई दूसरी मेरी। अब मैं ऐसे ही और पूरी बना लेती हूँ। अगर पराठा बनाना है तो इसको इसको थोड़ा सा और बड़ा बेल लें, थोड़ी लोई और मोटी ले लें, और इसको थोड़ा सा बड़ा बेल लें, और किसी बड़े कटर से ऐसी किसी से, मतलब जो बड़ा बाउल होता है कोई या ऐसा कुछ बर्तन है, उससे अपने कट कर लें चारों तरफ से, वो तब भी बन जाएगा बिना क्रैक का पराठा।
बिल्कुल सेम तरीका है उसका भी, वो फर्स्ट क्लास का बनेगा। देखिए दोस्तों हमारी सारी पूड़ी मैंने, देखिए ये बेलली है सारी ये ऐसे। अब मैं इनको तलती हूँ, कढ़ाई रखती है मैंने गैस पे। अब पूड़ी तैयार हो गई है हमारी, बिल्कुल लेते हैं। बढ़िया कचौड़ी बनती है देखिए, कि कचौड़ी बनाए, पूड़ी बनाए, पराठा बनाए, सेम कुछ भी बना सकते हैं। इतना बढ़िया तैयार हुआ है, क्रिस्पी क्रिस्पी कचौड़ी बनेगी इसकी। दूसरी भी डाल देते हैं। देखिए कितनी खस्ता खस्ता, कितनी गोल्डन गोल्डन कलर की पूरी कचौड़ी बनी है। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बनी है, फूली फूली। ये भी फूल गई। देखिए दोस्तों हमारी प्लेट लग गई है, और हमारा सारी कचौड़ी और रायता और चटनी पुदीने की, हमारा ये लंच तैयार हो गया है। हैं इस तरीके से बनाएं खाएं, और अगर आपके मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, आप मेरे को पसंद करते हैं, तो अब इनको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसे हम अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते रहेंगे। अगर आप कोई रेसिपी मुझसे और कोई बनवाना चाहते हैं, कुछ आपको पसंद है, तो आप मेरे को कमेंट्स करें, मैं वो रेसिपी आपके लिए बनाऊंगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम, बाय।